को, मैं अटल सैनिकों को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि भारतीय अटल जो कि एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है, प्रदेश उपाध्यक्ष पर अभी नव नियुक्ति मिली हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे अटल बिहारी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाया था, इवन नरेंद्र मोदी जी ने जो चलाया, इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि स्वच्छ तन, स्वच्छ मन और स्वच्छ भारत, हम सबका यही एक उद्देश्य होगा। भारतीय अटल सेना युवा मोर्चा राजस्थान 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आज 1 जनवरी को भारतीय अटल सेना राजस्थान की ओर से स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान के अंदर हर जिले हर तहसील के अंदर ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता की ओर कार्यक्रम करेगा। भारतीय अटल सेना एक राजनीतिक संगठन है जो सत्य हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सपने थे साकार, उनको साकार करने में हमारे भारतीय अटल सेना प्रयासरत है, और जो भी स्वच्छ भारत अभियान जहाँ मोदी जी ने चलाया हुआ है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ये चाहते थे कि भारत एक समृद्धशाली और एक स्वच्छ भारत बन के पूरे विश्व में अपना नाम रखे। आज जिस पटल पर भारत का नाम किया जा रहा है मोदी जी द्वारा, वो सब हमारे सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। आज जो भी विकास भारत की ओर से जो भी योजनाएं पहले लागू की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लागू की थी, आज वही योजना चालू की जा रही है, और हमें संगठन के द्वारा महिला कृतियों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अश्लीलता मुक्त भारत पे भी कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय अटल सेना की एक सामाजिक उद्देश्य है, इसके बहुत से कार्य कर रहे हैं, और आज हमने इसकी सफाई अभियान स्वच्छ राजस्थान की शुरुआत की है नए साल के आसपास। आपकी स्थापना आज ही 9 वर्ष के उपलक्ष्य में कर रहे हैं या आप पहले से कार्य करते आ रहे हैं? हम पहले से कार्य कर रहे हैं, हमने अभी संजनी पे भी किया था, संजनी पे किया था, रक्तदान शिविर भी लगा रहे हैं, और भी कई कार्य कर रहे हैं बेटियों से संबंधित, बच्चों से संबंधित, चाइल्ड लेबर से कर रहे हैं। सिंह जादव, हम लोग आज भारतीय सेना से हैं, आज यहाँ पर हमने स्वच्छ अभियान छेड़ा है, और स्वच्छ यह राजस्थान प्रोग्राम है जिसमें पहला चरण जयपुर चुना है। इससे पहले भी हम लोग बेटियों के लिए दिल्ली निकाल चुके, कंडीबाद निकाल चुके, इसके अलावा पूर्ण सब कार्यक्रम कर रहे हैं, काफ़ी सारे संगठन जैसे गैर राजकीय संगठन है, और पूरे इंडिया में 12 राज्यों में काम कर रहा है, बहुत अच्छा है। जल्दी बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे और समाज को अच्छा संदेश दे रहे हैं कि आप लोग सभी लोग संगठन जुड़े और आगे जाके हमारे कार्यक्रम में सहयोग करें, जिससे हम लोग आगे बढ़े और समाज को भी आगे बढ़ाए। थैंक यू सर। सबसे ज़्यादा